धनबाद उपायुक्त सभागार में मासिक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपायुक्त ए डोडे ने बताया कि पंचायत उपचुनाव 19 दिसंबर को होगी, जबकि मतों की गिनती 22 दिसंबर को होगी। शनिवार 24 नवंबर को नामांकन प्रारंभ कर दिया जाएगा, यह 30 नवंबर तक चलेगी। नामांकन पत्रों की समीक्षा 1 दिसंबर को की जाएगी। नाम वापसी की तिथि 3 दिसंबर निर्धारित है। चुनाव चिन्ह का आवंटन 4 दिसंबर को किया जाएगा। चुनाव कुल 264 बूथों पर होगा। यह चुनाव मुखिया पद के लिए 1, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 106, पंचायत समिति सदस्य के लिए कुल 4, 111 पदों के लिए चुनाव होगा। साथ ही उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के अनुरूप अब तक 3000 लाभुकों को गोल्डन कार्ड बनाया जा चुका है। इसमें 266 मरीजों का इलाज भी हो चुका है। जिला प्रशासन उन मरीजों से फीडबैक भी लेगी। दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि 5 प्रखंडों में सिलाई सहित पोशाकों के उत्पादन हेतु सेंटर बनाया गया है। DMFT फंड से 300 सिलाई मशीनें खरीदी जाएगी। प्रथम फेज में 150 और दूसरे अगले फेज में 150 मशीनों की खरीदारी होगी। हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इनवाइट किया है, एक तो पंचायत इलेक्शन बाय इलेक्शन होने वाला है उनके लिए, और हम लोग का मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं। तो पंचायत बाय इलेक्शन में हम लोग 24 से नामांकन चालू किया है, 24 से 30/11 तक चलेगा, और नाम निर्देश पत्रों की समीक्षा 1 को होगा। नाम वापस लेने का 3 तारीख को है। निर्वाचन पत्र के चिन्ह का आवंटन होगा 4 तारीख को, और इलेक्शन होगा 19 दिसंबर को, और काउंटिंग 22 को होगा। टोटल हमारा पद रिक्त है, मुखिया का 1 पद रिक्त है, पंचायत समिति सदस्य का 4 पद रिक्त है, और ग्राम पंचायत सदस्य का 106 पद रिक्त है। और टोटल हमारा बूथ हो गया 164 बूथ है, पूरा जिला में है, और इसके लिए तैयारी ऑलरेडी हम लोग चालू किया है। और निरसा राजकीय पॉलिटेक्निक निरसा जो धनबाद में उपस्थित है, उसी में हम लोग का काउंटिंग होगा। जो मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें 2-3 मुद्दा, मैंने वैसे सभी रेगुलर चीज़ें, पर 2-3 चीज़ें कि जो आयुष्मान भारत में हम लोग अभी तक धनबाद जिला में करीब 260 लोगों को लाभ दिलाए हैं, और 3000 लोगों को गोल्डन कार्ड बनाया है, और इसका और तेज़ी लेने के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो भी इश्यूज़ है, जैसे कुछ कुछ जगह से कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल से कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से थोड़ा सेटलमेंट डिले हो रहा है, तो हम लोग कोशिश करें उसको सॉर्ट आउट करेंगे, सो दैट मैक्सिमम लोगों को आयुष्मान भारत में लाभ मिल पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी मैंने रिपोर्ट में दिया हूँ कि हम लोग अच्छी स्थिति में हैं, और 18-19 में करीब 80% प्रगति पे हैं, और बाकी विभाग का भी सभी डिटेल्स मैंने दिया हूँ। एक चीज़, हम लोग जो सिलाई मशीन्स अभी बच्चों को पोशाक बनाने में जो निर्णय लिया है, उसमें हम लों अभी 5 प्रखंड में, 500 प्रखंड हेडक्वार्टर में सिलाई सेंटर्स कम ट्रेनिंग सेंटर्स कम प्रोडक्शन, मतलब वहीं महिला दीदी लोग आके सिलाई भी ट्रेनिंग भी लेंगे और वहाँ प्रोडक्शन भी करेंगे, उसका प्रक्रिया भी चालू किया हम लोग। करीब 300 मशीन्स वहाँ, जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। ये सेंटर कहाँ कहाँ होंगे सर? 5 ब्लॉक में अभी प्लान किया है, टुंडी, गुरु टुंडी, गोविंदपुर, बलियापुर और तोपचा।